अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दम का कीमा। ये आधा किलो कीमा है जिसको मैंने धो दिया है छन्नी में। ये पीस दिया है मैंने सूखा मसाला, इसमें डाला था एक टेबलस्पून खशखश, अलग से भून दिया था स्लाइटली, ड्राई रोस्ट किया था। तीन टेबलस्पून मैंने सेंग लिया है, उसको भी अलग से भून कर छिलके निकाल कर मिक्स कर दिया था। और तीन टेबलस्पून मैंने सूखा खोपरा पाउडर लिया है। तीनों चीज़ें अलग अलग भून कर मैंने साथ में ग्राइंडर में पीस दी है। सूखा मसाला इसमें डाल दिया है। एक मुट्ठी मैंने इसमें पुदीना धोकर डाल दिया है। एक मुट्ठी हरा धनिया भी काट दिया है। नमक डालना है टेस्ट के हिसाब से। हल्दी डालना है आधा टीस्पून। लाल मिर्ची पाउडर डालना है एक टीस्पून भरकर। अदरक लहसुन पेस्ट डालना है एक टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर डालना है आधा टीस्पून। इलायची पाउडर डालना है आधा टीस्पून। एक तेजपत्ता डालना है। डाल रही हूँ एक कप दही। इन चीज़ों का हम मिक्स कर देंगे। मैरिनेट करने के लिए आधा नींबू भी निचोड़ देना है इसमें और मिक्स कर देना है इसको। हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे मिक्स करके। 1/3 कप तेल में मैंने एक बड़ी प्याज फ्राई कर दी है, बिरिस्ता बना दिया है। बिरिस्ता अलग निकाल दिया है। प्याज तला हुआ तेल हम खीमे में डाल देंगे। बिरिस्ता मैंने हाथ से चूर दिया है। अब ये बिरिस्ता भी मैं खीमे में डाल रही हूँ। कीमे को बिरिस्ते के साथ मिक्स कर देंगे। अब गैस ऑन कर देना है और कीमे को पका लेना है। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है बिरिस्ते के साथ। अभी मैं इसको ढक कर सिम पर रख रही हूँ। कीमा गलने के बाद फास्ट फ्लेम करके हम कीमे का पानी सुखा लेंगे। देखिए कीमे का पानी सूख चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। डाल देंगे इसमें गरम कोयला, उसपे तेल, रख देंगे ढककर इसको 10 मिनट तक। दम का कीमा तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।